अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग, दैट इज़ इनफॉर्मल फैलेसीज 2। टॉपिक नंबर 5.1 इज़ द फैलेसी ऑफ द कंपोजिशन। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन एज्यूम्स दैट, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन क्या है? फैलेसी ऑफ कंपोजिशन एज्यूम करती है दैट समथिंग फॉर अ पार्ट ऑफ अ होल, कि किसी भी कम्प्लीट चीज़ का कोई भी एक पार्ट है, ठीक है, मस्ट आल्सो बी ट्रू ऑफ द होल इटसेल्फ। कहता है अगर तो सारा का सारा हिस्सा हमारा ट्रू है, तो फिर वो जो हमने कुछ पार्ट उठाया है समथिंग फॉर अ पार्ट ऑफ द होल, वो भी हमारे पास ट्रू होगा। द फैलेसी ऑफ द कंपोजिशन इन्वॉल्व्स टेकिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन में क्या चीज़ है, क्या इन्वॉल्व है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन में? फैलेसी ऑफ कंपोजिशन में इन्वॉल्व है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई एक पार्ट या किसी भी क्लास का कोई एक पार्ट जो है वो हिस्सा लेता है, एंड अप्लाइंग देम टू द इंटायर ऑब्जेक्ट और द होल क्लास, तो फिर वो जो चीज़ उस पार्ट पे इम्प्लीमेंट हो रही है वही चीज़ हमारी पूरे ऑब्जेक्ट पे या पूरी की पूरी क्लास पे इम्प्लीमेंट होगी। द फैलेसी ऑफ कंपोजिशन अराइजेस व्हेन वी इन्फर दैट समथिंग इज़ ट्रू ऑफ द होल। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन कब अराइज करती है? जब हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कोई हिस्सा ट्रू है, इफ़ इट इज ट्रू फॉर सम पार्ट ऑफ द होल, कि कुछ हिस्सा उस पार्ट का ट्रू है, तो हम इम्प्लीमेंट कर दें कि जी अगर ये हिस्सा सही है तो बाकी की सारी चीज़ भी बिल्कुल ठीक होगी, तो तब हमारे पास फैलेसी ऑफ कंपोजिशन अराइज होती है, ठीक है। ट्रिवियल एग्जांपल ऑफ द फैलेसी ऑफ द कंपोजिशन माइट बी द टायर इज़ मेड अप ऑफ रबर। टायर होता है, ठीक है, बाइक का, कार का, किसी भी चीज़ का टायर है वो रबर से बना हुआ है। देयरफॉर द व्हीकल ऑफ विच इट इज़ अ पार्ट इज़ आल्सो मेड ऑफ रबर। तो कहता है वो जो टायर जिस भी चीज़ का हिस्सा है व्हीकल का, किसी भी व्हीकल का, कार का, बाइक का, साइकिल का, ट्रक का, किसी भी व्हीकल का वो हिस्सा है वो वाला टायर। तो कहता है अगर टायर रबर से बना है तो क्या ये इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं कि पूरी की पूरी वो जो व्हीकल है हमारा, कार, बस, वट एवर, जो भी है, साइकिल, बाइक, कुछ भी, तो वो पूरा का पूरा हमारे पास रबर से बना हुआ है। दिस एग्जाम्पल इज़ फेलिशियस, ये एग्जाम्पल एक फेलिशियस है, मतलब गलती है, बिकॉज व्हीकल्स आर मेड विद अ वैरायटी ऑफ पार्ट्स। कोई भी चीज़ है, कार है, बाइक है, वो डिफरेंट पार्ट्स से, स्पेयर पार्ट्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ विच आर नॉट मेड ऑफ रबर, जिसमें से ज़्यादातर पार्ट्स जो हैं वो रबर के नहीं बने होते। तो हम ये किस तरह से कह सकते हैं कि अगर सिर्फ उसके टायर रबर के हैं तो वो पूरी की पूरी चीज़ रबर की है? हाउ इट इज़ पॉसिबल? ओके, तो इस पॉइंट पे जाकर हमारे पास फैलेसी ऑफ कंपोजिशन अराइज होती है। ओके, पीपल वुड कंसीडर द स्टेटमेंट इनकरेक्ट वेयर द होल पोजेसेस प्रॉपर्टीज नॉट प्रेजेंट इन एनी ऑफ द पार्ट्स। द फैलेसी ऑफ द कंपोजिशन कैन अप्लाई इवन व्हेन अ फैक्ट इज ट्रू ऑफ एवरी प्रॉपर पार्ट ऑफ द ग्रेटर एंटिटी। दिस फैलेसी इज रिलेटेड टू द फैलेसी ऑफ द हेस्टी जनरलाइजेशन इन विच एन अनवारंटेड इन्फ्रेंस इज मेड फ्रॉम द स्टेटमेंट अबाउट अ सैम्पल टू द स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन विच इट वॉज ड्रॉन। अब कहता है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन जो है ना वो रिलेट कर रही है हमारे पास यहाँ पे फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन से। हेस्टी जनरलाइजेशन क्या थी? जल्दबाजी में हम कोई भी फैसला कर लेते थे, ठीक है, कि ये चीज़ ए अगर इस एक पॉइंट पे इम्प्लीमेंट हो रही है तो यही पूरी की पूरी स्ट्रेटजी जो है ना जी, हम पूरे के पूरी क्लास पे अप्लाई करते हैं। अगर एक बच्चा इस तरह से पढ़ना शुरू हुआ तो पूरी की पूरी क्लास इस तरह पढ़ना शुरू हो जाएगी। बट हाउ इट इज़ पॉसिबल? ठीक है, हर स्टूडेंट की माइंड कैपेबिलिटी अपनी होती है, हर स्टूडेंट की, हर टीचर के बीच में इंट्रैक्शन डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो चीज़ एक पे इम्प्लीमेंट हो रही है वो दूसरे पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको जल्दी समझ आता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको देर से समझ आता है। अगर कुछ स्टूडेंट्स को जल्दी समझ आ रहा है तो टीचर क्या कहेगा, बस ठीक है इसको समझ आ गया तो समझो पूरी क्लास को समझ आ गया? नो, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो ये रिलेट करती है हेस्टी जनरलाइजेशन से, मतलब जल्दबाजी में किया गया फैसला, हम जल्दबाजी में जनरलाइजेशन निकाल लेते हैं कि ठीक है ऐसा हो रहा है तो जनरल टर्म इसकी ये बन जाएगी, जनरलाइजेशन हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ओके, द फैलेसी ऑफ द कंपोजिशन इज द रिवर्स ऑफ द फैलेसी ऑफ द डिवीजन। ये फैलेसी ऑफ डिवीजन के रिवर्स, सॉरी, कन्वर्स है। फैलेसी ऑफ डिवीजन हमारा इससे नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपना डिस्कस करेंगे। ओके, हियर आर सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू द फैलेसी ऑफ द कंपोजिशन। इफ समवन स्टैंड्स अप आउट ऑफ हिज सीट एट अ क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच हो रहा है किसी भी ग्राउंड में, ठीक है, एक बंदा सीट से खड़ा हुआ है, खड़ा होकर मैच देख रहा है, ही कैन सी बेटर, वो ज़्यादा बेहतर देख सकता है एज़ कम्पेयर टू द जो मैन या जो पीपल्स हमारे बैठे हुए हैं। देयरफॉर इफ ऑल द पीपल स्टैंड अप, अगर सारे के सारे लोग खड़े हो जाएं, दे कैन ऑल सी बेटर। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है बेसिकली। अगर सबके सब लोग खड़े होकर देखेंगे तो सब लोग बेटर नहीं देख सकते, ठीक है। अगर आगे वाले भी खड़े हो जाएंगे तो पीछे वालों को इशू होगा, फिर पीछे वाले खड़े हो जाएंगे उससे पीछे वालों को कुछ ना कुछ इशू होगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फैलेसी है इस एग्जांपल में, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं हमारे पास, सम पीपल कैन बिकम मिलियनेयर्स विद द राइट बिजनेस कंसेप्ट। कुछ लोग मिलियनेयर्स बन जाएंगे अगर वो राइट बिजनेस कंसेप्ट को लेके चलते हैं, वो बिल्कुल सही बिजनेस अगर करते हैं। इफ़ एवरीवन, तो कंक्लूजन क्या निकाल रहा है, कहते हैं देयरफॉर इफ़ एवरीवन हैज़ अ राइट बिजनेस कंसेप्ट, अगर हर किसी के पास राइट बिजनेस कंसेप्ट हो जाए तो एवरीवन विल बिकम अ मिलियनेयर, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, ठीक है। हर इंसान कभी भी राइट बिजनेस कंसेप्ट नहीं रख सकता, हर किसी की अपनी सोच होती है। इफ़ आ रनर रन्स फास्ट ही कैन विन द रेस, अगर एक रनर भागने वाला तेज भागेगा तो वो रेस जीत जाएगा। देयरफॉर इफ ऑल द रनर्स रन फास्टर दे ऑल विन द रेस, अगर सारे के सारे जल्दी भागेंगे तो सारे के सारे रेस जीत जाएंगे। ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता, गेम में हार जीत होती है, ठीक है। कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है, कोई तेज़ भाग लेता है, कोई स्लो भाग लेता है। सारे के सारे तो तेज़ भागने से रहे, सारे के सारे तो फर्स्ट पे आने से रहे, ठीक है। अगर 199 भी फर्स्ट पे आ जाएंगे तो एक फिर भी रह जाएगा, तो ये कंक्लूजन जो है वो हमारा वहीं पे फ्लॉप हो जाएगा कुछ, ठीक है। सिंस एवरी पार्ट ऑफ अ सर्टन मशीन इज़ अ लाइट इन वेट, कि कुछ सर्टन पार्ट है मशीन का वो लाइट है वेट में। द मशीन एज अ होल इज़ लाइट इन वेट, इज़ इट पॉसिबल? नो। फैन की एग्जांपल ले लो सिंपल, बाकी मशीन को छोड़ो, फैन की एग्जांपल ले लो। फैन में कैपेसिटर लगा होता है, कितना लाइट वेट है कैपेसिटर लगा? क्या अगर कैपेसिटर लाइट वेट है तो क्या पूरा का पूरा फैन लाइट वेट है? नो। सो कॉमन सेंस डज नॉट एक्सेप्ट अबव एग्जांपल्स, जो ऊपर हमने जितने भी एग्जांपल्स देखी, कॉमन सेंस इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। जैसा अभी मैंने बताया, हर एग्जांपल पे आप लोगों को बताया कि ये कंक्लूजन वो ड्रॉ कर रहा है, लेकिन बेसिकली ऐसा कंक्लूजन नहीं निकलता। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सारा ऊपर बता चुकी हूँ, ठीक है। इट डज़ नॉट हैपन सच इन मोस्ट केसेज, ज़्यादातर केसेज में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इन केमिस्ट्री एंड मटीरियल साइंसेज, अ सिंगल टाइप ऑफ एटम्स में फॉर्म इलेक्ट्रॉन्स विद द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज फ्रॉम द constituent material. One example is of the diamond and the graphite, each consisting of the carbon atoms. Diamond or graphite ki example lete, dono mein carbon atom exist karte hain in the diamond and in the graphite. What is true of the single carbon atom is not true of a collection of the carbon atoms bonded into a material. ओके, एक्सप्लेनेशन आ जाती है। द आर्गूमेंट बीइंग मेड इज दैट, आर्गूमेंट क्यों किया जाता है? बिकॉज एवरी पार्ट हैज़ अ सम करेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि हर पार्ट अपनी कुछ ना कुछ खसूसियात रखता है। देन द होल मस्ट नेसेसली हैव दैट करेक्टरिस्टिक्स, अगर कोई एक चीज़ है हमारे पास, ठीक है, उसके हर पार्ट में एक ही खसूसियत है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि वो पूरी की पूरी चीज़ जो है उस खसूसियत को इम्प्लीमेंट करेगी, उस खसूसियत को अपनाएगी, ठीक है। अगर एक मशीन के जितने पार्ट्स लगे हुए हैं, ठीक हो गया, अगर उन सबकी क्वालिटी बेहतर है तो हम क्या कहेंगे, ओवरऑल पूरी मशीन की क्वालिटी बेहतर है, ठीक है। दिस इज़ अ फैलेसी बिकॉज नॉट एवरीथिंग इज़ ट्रू अबाउट एवरी पार्ट ऑफ द होल, कहते हैं ये एक फैलेसी है क्योंकि किसी का भी हर पार्ट सही नहीं हो सकता। और द एंटायर क्लास दैट द ऑब्जेक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ, ना ही कभी पूरी की पूरी क्लास एक जैसी हो सकती है। हर स्टूडेंट की अपनी कैपेबिलिटी। द जनरल फॉर्म ऑफ द फैलेसी ऑफ द कंपोजिशन कैन बी स्टेटेड एज, अब जनरल फॉर्म क्या निकलेगी इसकी, ऑल पार्ट्स, तमाम पार्ट्स या मेंबर्स ऑफ एक्स हैव द प्रॉपर्टी पी, एक एक्स हमारे पास कोई भी सेट है, उसके तमाम के तमाम मेंबर्स या तमाम के तमाम एलिमेंट्स या तमाम के तमाम पार्ट्स पे एक ही प्रॉपर्टी है पी, ठीक है। वो सारे एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी होंगी नो डाउट, लेकिन एक प्रॉपर्टी सब में कॉमन है। अगर वो चीज़ सब पार्ट्स में कॉमन है तो वो पार्ट वो सॉरी वो प्रॉपर्टी पूरे के पूरे सेट एक्स पे भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। दस एक्स इटसेल्फ हैज़ अ प्रॉपर्टी पी, तो यही कहता है अगर एक्स के सारे मेंबर्स के पास प्रॉपर्टी पी है तो फिर हमारे पास एक्स के पास भी वो प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। कंसीडर सम एडिशनल एग्जाम्पल्स ऑफ द फैलेसी ऑफ द कंपोजिशन फॉर द क्लैरिफिकेशन, अब क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ और मजीद एग्जाम्पल्स देते, कहते हैं बिकॉज द एटम्स ऑफ द पेनी आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, पेनी के जो भी एटम्स हैं, ठीक है, उनको आप नेकेड आई से ह्यूमन आई से नहीं देख सकते। कहता है अगर उसके एटम्स को नहीं देख सकते तो आप पूरे के पूरे पेनी को भी नहीं देख सकते। देन द पेनी इटसेल्फ मस्ट आल्सो नॉट बी विजिबल टू द नेकेड आई बिकॉज, सेकेंड वन एग्जाम्पल है बिकॉज ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ दिस कार आर लाइट एंड ईजी टू कैरी। अब एक कार है, ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स से मिलकर बनी है, डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बनी है। कहते हैं उसके जितने सारे कंपोनेंट्स हैं ना वो लाइट वेट हैं एंड ईजी टू कैरी, उनको हम
आसानी से कैरी कर सकते हैं। देन द कार इटसेल्फ मस्ट आल्सो बी लाइट एंड ईजी टू कैरी। तो क्या कहता है, फिर जो पूरी की पूरी कार है जी, वो भी इतनी लाइट वेट है कि हम इजीली उसको कैरी कर सकते हैं, हम इजीली उसको उठा सकते हैं। इन द अबव एग्जांपल्स व्हाट इज़ ट्रू ऑफ द पार्ट्स कांट बी ट्रू फॉर द होल। जो चीज़ पार्ट्स के लिए सही है वो चीज़ पूरी की पूरी तमाम चीज़ के लिए सही नहीं हो सकती। अगर कार के तमाम पार्ट्स लाइट वेट हैं, ठीक है, हम उनको कैरी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब वो मिलके सारे के सारे पार्ट्स मिलके कार बनाएंगे तो उनका वेट उतना नहीं रह जाएगा, वो हमारे लिए वेट ज़्यादा हो जाएगा, उसको हम कैरी नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम इट इज़ पॉसिबल टू मेक आर्गूमेंट सिमिलर टू द अबव विच आर नॉट फेलिशियस। द कंक्लूजन मेड फ्रॉम द आर्गूमेंट्स आर वैलिड। हेयर आर द एग्जाम्पल्स। बिकॉज ऑफ द एटम्स ऑफ द पेनी हैव मैस, देन द पेनी मस्ट इटसेल्फ हैव मैस। अब कहता है जो हम ऊपर एग्जाम्पल्स देख चुके हैं ना, उनके आर्गूमेंट्स वैलिड हैं, ठीक है, तो अब वो वैलिडिटी बताता है कैसे वैलिड है। कहता है क्योंकि पेनी के जो एटम्स हैं वो कुछ ना कुछ मैस रखते हैं, मैस कहते हैं कुछ ना कुछ वेट गेन करते हैं, ठीक है, उनका कुछ ना कुछ मैस होता है, एग्जिस्टेंस है उनकी। तो अगर उनके एटम्स की एग्जिस्टेंस है तो पूरे के पूरे पेनी की भी एग्जिस्टेंस है, ठीक है, पेनी भी पूरा का पूरा जो है वो मैस कंटेन करता है। बिकॉज ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ दिस कार आर एंटायरली सिल्वरी, देन द कार सेल्फ मस्ट आल्सो बी एंटायरली सिल्वरी। कहते हैं अगर सारे सारे कंपोनेंट्स कार के सिल्वर हैं ना, तो कार भी सिल्वर होगी। द अबव टू आर्गूमेंट्स आर ट्रू, देयर इज नीड टू नोट दैट द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एंड द प्रीवियस आर्गूमेंट्स। जो भी हमने दो आर्गूमेंट्स देखे, जो पहले हम लोग देख चुके थे, विच आर फेलिशियस, के दोनों में से कौन से वाले फेलिशियस हैं। एज द फेलेसी ऑफ द कंपोजिशन इज एन इनफॉर्मल फेलेसी। अगर तो फेलेसी ऑफ कंपोजिशन जो है जी इनफॉर्मल फेलेसी है, जैसा कि हमें पता है फेलेसी ऑफ कंपोजिशन इज अ इनफॉर्मल फेलेसी। तो इनफॉर्मल फेलेसी क्या थी, जिसके फॉर्म में मसला नहीं होता, उसके कंटेंट में मसला होता है, उसके स्ट्रक्चर में मसला होता है, ठीक है। देखो वी हैव टू लुक एट द कंटेंट रेदर देन द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्गूमेंट। ओके, व्हेन वी एग्जामाइन द कंटेंट वी फाइंड समथिंग स्पेशल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स बीइंग अप्लाइड। अब कहता है जब जैसे ही हम उस कंटेंट को एग्जामिन करेंगे, उस कंटेंट को देखेंगे, उसको सर्च आउट करेंगे, तो हम कुछ ना कुछ ऐसा फाइंड ज़रूर कर लेंगे जो स्पेशल होगा, जिसपे अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स बीइंग अप्लाइड, जिसपे खसूसियात जो हैं वो अप्लाई करती होंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द होल विद द एग्जिस्टेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द पार्ट्स इज what will cause it to be true of the whole. In present example of the penny, penny itself has mass. Penny का अपना कुछ mass है because the constituent atoms have mass. क्योंकि उसके atoms का mass है तो automatically पूरी की पूरी penny का mass होगा। In the present example of the car, car itself is entirely silvery. Car पूरी की पूरी silver क्यों है, क्योंकि उसके सारे के सारे components जो हैं silver है, ठीक है। देर इज एन अनस्टेटेड प्रीमिस इन द आर्गूमेंट एंड डिपेंड्स अपॉन आवर प्रीवियर नॉलेज, सॉरी प्रायर नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट वाइल कार पार्ट्स माइट बी लाइट वेट गेटिंग टुगेदर टू फॉर्म अ होल। अब कार के पार्ट्स हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल देखे थे कि जी वो लाइट वेट है, तो सब के सब पार्ट्स मिला के क्या बना देंगे, हमारे पास एक पूरी की पूरी कार बना देंगे विच इज डिफिकल्ट टू कैरी। ओके, दे विल क्रिएट वेट अलॉट। तो वो जब टुगेदर होके एक कार बनाएंगे तो उनका वेट ज़्यादा हो जाएगा, टू मच टू कैरी, इजीली हम लोग कैरी नहीं कर सकते। आ कार कांट बी मेड लाइट एंड इजी टू कैरी जस्ट जॉइनिंग बाय पार्ट्स विच आर लाइट एंड इजी टू कैरी। कार को हम इजी कैरी नहीं कर सकते, ठीक है, कांट बी मेड लाइट, हम कार को लाइट वेट नहीं बना सकते। सिमिलरली अ पेनी कैन नॉट बी मेड इनविजिबल जस्ट बिकॉज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आइटम्स आर इनविजिबल टू अस। अगर एक एटम हमें नज़र नहीं आ रहा तो काफ़ी सारे एटम्स मिलके तो हमें कुछ ना कुछ नज़र आ ही जाएगा ना। एक हम छोटा सा पार्टिकल भी देखते हैं, ठीक है, डस्ट का पार्टिकल भी देख लो छोटा सा, अगर उस पार्टिकल में भी एटम्स हैं, अगर वो एटम्स डिफरेंट डिफरेंट हैं तो इट इज़ डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारे लिए देखना नेकेड आई से, ठीक है। लेकिन जब वो एटम्स कंबाइन होके हमारे पास एक सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे तो हम इजीली उस चीज़ को विजिबल कर सकते हैं, हम इजीली उस चीज़ को देख सकते हैं। हियर इज़ वन मोर एग्जांपल दैट इज़ लेस ऑब्वियस देन द अबव टू एंड जस्ट फैलेसी। बिकॉज ईच मेंबर ऑफ दिस फुटबॉल टीम इज़ द बेस्ट इन द लीग फॉर इज पोजीशन। एक हमने फुटबॉल टीम बनाई है, ठीक है, कहते हैं उसका हर प्लेयर जो है जी वो अच्छा है, बेहतरीन है लीग के लिए, खेलने के लिए उसकी जो लीग्स चलती है ना वो। देन द टीम इटसेल्फ मस्ट आल्सो बी द बेस्ट इन द लीग। अगर उस टीम का हर मेंबर बेस्ट है तो पूरी की पूरी टीम भी बेस्ट हो जाएगी। अबव एग्जांपल डिमॉन्स्ट्रेट द डिस्टिंक्शन बिटवीन द फॉर्मल एंड द इनफॉर्मल फैलेसीज। द एरर इज नॉट सिंपली रिकॉग्नाइज सिंपली बाय लुकिंग एट द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्गूमेंट बीइंग मेड। इजिली हम लोग एरर को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। इंस्टेड देयर इज नीड टू लुक एट द कंटेंट ऑफ द क्लेम। इसकी बजाय कि यहाँ पे हमें ज़रूरत है कि हम लोग कंटेंट का क्लेम देखें,
ठीक है, कंटेंट के क्लेम को देखने की यहाँ पे ज़रूरत है। व्हेन वी डू दैट, जब हम ऐसा करते हैं, वी कैन सी दैट द प्रीमिस इज इनसफिशिएंट टू शो ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन। हाँ, जब हम ऐसा करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो प्रीमिस, जो हमारा कंक्लूजन था, जो हमने रीजनिंग दी थी, ठीक है, जो हमारा इन्फ्रेंस था, इज़ इनसफिशेंट, वो इनसफिशेंट है टू शो दैट, क्या चीज़ शो करवाने के लिए, जो कंक्लूजन निकला है वो हमारे पास ट्रुथ है, इस चीज़ को शो करवाने के लिए जो हमने प्रीमिस दिया था, हमारी जो रीजनिंग थी वो इनसफिशेंट हो जाएगी यहाँ पे। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द फैलेसी ऑफ द कंपोजिशन इज सिमिलर टू बट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द फैलेसी ऑफ द हेस्टी जनरलाइजेशन। अब कहते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है नोट करने की, कि जी फैलेसी ऑफ कंपोजिशन सिमिलर भी लगती है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जी एक चीज़ लाइट वेट है तो उसके डिफरेंट पार्ट्स, जैसे कार की एग्जांपल अभी देखी थी, ठीक है, हम कहते हैं उसका हर पार्ट जी लाइट वेट है तो पूरी की पूरी कार, जब वो पार्ट्स आपस में मिल जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, कंबाइंड होने के बाद जब वो कार बनाएंगे तो जी वो भी लाइट वेट होगी। ये क्या था, हमने जल्दी डिसीजन ले लिया अपना, तो वो इस वे में वो सिमिलर है हेस्टी जनरलाइजेशन से। हेस्टी जनरलाइजेशन भी ये थी कि हमारे पास जल्दबाजी में हम कोई ना कोई डिसीजन ले लेते थे, जल्दबाजी में कंक्लूजन ले लेते थे, ठीक है, सोचे समझे बगैर हम कंक्लूजन निकाल देते थे कि ठीक है ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। नो, ठीक है, इस वे में उससे सिमिलर है बट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द, सिमिलर भी है और डिस्टिंक्ट भी है फ्रॉम द फैलेसी ऑफ द हेस्टी जनरलाइजेशन। द लेटर फैलेसी इन्वॉल्व्स अज्यूमिंग दैट समथिंग इज ट्रू फॉर एन एंटायर क्लास ड्यू टू अ स्मॉल सैंपल साइज, के पूरी क्लास के लिए जी कोई चीज़ ट्रू होगी क्योंकि वो छोटे सैंपल साइज पे ट्रू थी। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम मेकिंग सच एन अजम्पशन बेस्ड ऑन एन एट्रीब्यूट दैट इज इंडीड शेयर्ड बाय द ऑल पार्ट्स ऑफ द मेंबर्स। तो सारे के सारे पार्ट्स या सारे के सारे मेंबर्स के साथ वो चीज़ शेयर करने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन के और एमसीक्यूज, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे फैलेसी ऑफ डिवीजन। ओके, होपफुली सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।